गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल अग्रवाल आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 13 जो था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। किसी बच्चे ने कहा सर एक क्वेश्चन आपने लीव कर दिया है, स्किप कर दिया, तो देखते कौन सा कोई बाकी रह गया। क्या रह गया? तो यार एक दो रह जाए तो अपने आप ही कर लिया करो। 13.1 का 10वां क्वेश्चन है यार, ये करवाया था। 13.1 का 10वां क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ते हैं अपन। 14 नंबर चैप्टर एक बार हम लीव करेंगे इसको बीच में, है ना। ये अभी ऑफलाइन से पहले चलाएंगे, फिर इसको ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर 15। एक छोटा सा आसान सा चैप्टर है जिसे आज हम कंटिन्यू करते हैं। रैखिक प्रोग्रामर, लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। कई बच्चे बोल रहे सर नोट्स दो, नोट्स दो। तो नोट्स तो बेटा एक दो दिन अपलोड हो जाएंगे, है ना, लेकिन आपको नोट्स के पीछे मत भागोगे सर। नोट्स 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 में कुछ भी नहीं रखा है। आपको जो क्वेश्चन जो क्लास में कंसेप्ट करवाए जा रहे हैं आप उन कंसेप्ट को फॉलो करो और जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बस कर लो, और नोट्स में कुछ नहीं होता। हाँ, बनाए हुए जरूर है, लास्ट ईयर बहुत अच्छे नोट्स आपके बनवाए हुए हैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। इस बार थोड़ा आपके ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगी है इसलिए नोट्स के अकॉर्डिंग कुछ लिखवाया नहीं गया है, है ना। तो लेकिन वो बेटा नोट्स काम कुछ नहीं आते, बस ये तो एक सजावट का तरीका है कि हाँ हमारे पास मैटर पड़ा है और कुछ भी नहीं। जो मैन आएगा, जो आपको क्लास में समझाया जा रहा है वो आपको समझ में कितना आया है, एक तो वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और उस पर डिपेंड, उस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आप कितने कर पा रहे हैं ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखना बेटा अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, रैखिक प्रोग्रामन बोलते हैं, है ना। मैंने प्रोग्रासन लिख दिया, बाबा रामदेव गया ना आज भी, इन्होंने बिगाड़ दिया यार। प्रोग्रासन है ना, शीर्षासन ऐसा कुछ। ठीक है, ओके सुनो, रैखिक प्रोग्रामन। अभी रैखिक प्रोग्रामन है क्या, पहले उसको समझ लो बेटा। देखो रैखिक प्रोग्रामन का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आपको पता कि आप कोई भी दुकान खोल के रखे हैं, आप चाहते क्या हैं कि आप अपनी वस्तुओं को जब बेचें तो आपको जो प्रॉफिट हो वो क्या हो, अधिक से अधिक हो। अगर मान लो कभी कभी हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें जो नुकसान हो रहा है वो क्या हो, कम से कम हो, जो प्रॉफिट हो रहा है वो अधिक से अधिक हो, और यदि जो लॉस हो रहा है, जो नुकसान आपको हो रहा है वो क्या हो, कम से कम हो। तो इस बात को पता करना कि हम कितनी जगह, ये पता करना कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर हम हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम ले सकें और हमारा लॉस जो है वो मिनिमम ले सकें, उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक प्रोग्राम। उसको प्रोग्राम करना, उस बात को पता करना कि हम इस काम को ऐसे करें तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है और अगर इस काम को ऐसे करें तो हानि कम होती है, बस इसी को हम कहते हैं प्रोग्राम करना, है ना। अब रैखिक प्रोग्रामन क्यों है बेटा, देखो हमारे दैनिक जीवन में हम जो काम करते हैं ना नॉर्मली, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई दुकान वाला कोई सामान बेच रहा है, आपके ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये, जैसे होता है ना कई बार कि दुकानों के अंदर जो आपकी कुर्सियां वगैरह बेचता है उसके पास क्या जगह सीमित होती है। जैसे मान लो आपके घर के पास, घर में कमरा है, आप जैसे मान लो ये आपका पास क्या है, एक गोदाम है, है ना, वेयर हाउस है, ये आपके पास गोदाम है। अब आपको इसके अंदर क्या रखनी है, कुर्सियाँ रखनी है, इसके अंदर आप कुर्सियाँ रख रहे हैं तो बहुत सारी कुर्सियाँ इसके अंदर रखी जाएंगी। तो मैं ऐसी कितनी कुर्सी, जैसे मान लो इस गोदाम के अंदर मेरे पास कितनी चेयर मैं रख सकता हूँ, मान लो मैं 500 चेयर्स रख सकता हूँ इस गोदाम के अंदर, मान लो कि मैं 500 चेयर। चैप्टर बहुत आसान है बेटा, पहले बस ये बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है रैखिक प्रोग्रामन का। जब ये पता चल जाएगा उसके बाद में हम पहले कंसेप्ट तो बहुत आसान है, दो तीन इक्वेशंस बतानी, आप उसको कर लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको एक बार बता रहा हूँ ये चैप्टर काम क्या आता है, है ना। तो आपके पास जैसे मान लो कोई गोदाम है, उसके अंदर आप चेयर्स रख रहे हैं। अब उनमें अलग अलग प्रकार की चेयर है, कोई चेयर जो है वो 500 रुपये पर पीस है, है ना, पर चेयर है, कोई चेयर जो है वो 200 रुपए पर चेयर है,
है ना, और कई चेयर जो है वो 350 रुपये पर चेयर है। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्या है चेयर्स है किसी लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। इसको बेचने पर मान लो हम 100 रुपये पर पीस कमा रहे हैं, इसको बेचने पर मान लो हम 50 रुपीज़ पर पीस कमा रहे हैं, और इसको बेचने पर मान लो हम 125 रुपीज़ पर पीस कमा रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि 500 कुर्सियाँ ही मैं रख सकता हूँ, किसी में मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, किसी में मुझे 50 मिल रहे हैं, किसी में 125 रुपये मिल रहे हैं, तो कौन सी चेयर को मैं कितना रखूँ। और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी मान लो फिक्स है कि मैं इन्वेस्टमेंट केवल कितना कर सकता हूँ, कि मान लो मुझे कि इन्वेस्टमेंट में जो है वो केवल 5 लाख रुपये ही कर सकता हूँ, है ना, इन्वेस्टमेंट भी हमारा फिक्स है। तो इसमें मैं कितनी चेयर्स किसको कितनी लाऊं, है ना, कि या फिर मान लो आपके पास इसको ऐसे मान लो 50,000 रुपये है ना, तो मैं कितनी किस कितनी कौन सी चेयर को कितनी लाऊं ताकि मुझे जो प्रॉफिट है वो क्या हो, अधिक से अधिक हो। तो ऐसे इन सब चीज़ों को पता करना, जैसे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो लगता है, आप एक जगह से दूसरी जगह तक जब जाते हैं, जैसे मान लो आपको सामान हिमाचल प्रदेश से अपने सरदार से सामान मंगाना है, तो सामान मंगवाने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी लगता है ना, तो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला है उसको सामान तो सब जगह भेजना है, तो वो क्या करेगा, इस रूट में जितने भी बीच में और शहर आते हैं उनका सामान भी हमारे सामान के साथ लगा देगा। ऐसे थोड़ी करेगा वो कि सरदार शहर तो सरदार शहर के अलग गाड़ी रवाना करेगा भी ये उधर लेके जा, फिर एक रतनगढ़ वाला है तो रतनगढ़ के लिए एक अलग गाड़ी रवाना करेगा। वो क्या करेगा, एक ही गाड़ी में इस रूट के अंदर हिमाचल से सरदार शहर के बीच में जितने भी जगह हैं उन सब जगह के बीच में जितना भी आपको पार्सल देना है उन सब के पार्सल वो एक ही गाड़ी में रख देगा, ताकि क्या होगा, उसको जो किराया उसका है, जो भाड़ा, जो पेट्रोल उसको लगेगा वो क्या लगेगा, उसको कम से कम लगेगा, और उसका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ये सब चीज मैनेज करना कि कहीं पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो अधिक से अधिक हो, लॉस हो रहा है वो कम से कम हो, ये सब पता करना ही आपका क्या है, रैखिक प्रोग्रामन है। इन सब को ही हम क्या बोलते हैं, रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं। इसको हम और इजीली भी और अच्छे भी पढ़ सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली। ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई, वहाँ पर आओ तो वहाँ पे और अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, है ना, कि वहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वहाँ पर हम एग्जांपल्स पूरे अच्छे से देते हैं। ऑनलाइन में बेटा इतना जब तक फेस आपके आप सामने नहीं बैठते हो ना तब तक पढ़ाने का मज़ा ही नहीं आता, सच पूछो तो, है ना। तो बस ऐसा है कि हाँ ये मजबूरी हो गई हम सबकी, आपकी भी मजबूरी है कि आपको घर पर पढ़ना पड़ रहा है, और हमारी भी मजबूरी है कि हमें कैमरा के सामने पढ़ाना पड़ रहा है, और कुछ भी नहीं है कि हम जितना हम क्लास में पढ़ाते हैं उसका अनडाउटली कि हम यहाँ पे 20% ही नहीं दे सकते, जितना हम वहाँ पे जितना डिस्क्राइब करते हैं चैप्टर को, जितना उसको जितना अच्छे से बताते हैं, कंसेप्चुअली जो बताते हैं, बस यहाँ पर वो बातें आपको बताई जाती है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है चैप्टर के लिए, वरना वहाँ पे आपको पता है ऑफलाइन क्लासेज में बेटा आप क्या करते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली पूछ लेंगे, तो वहाँ से कुछ नई चीज़ भी अगर आपको बतानी होगी तो वहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये इशू रहता ही है। इसलिए कोशिश करो कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, है ना, कि आप वहाँ पे स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप करें, सैनिटाइज आप करें, अपने पानी का बॉटल आप लेके आएँ, घर वालों की परमिशन आप लेके आएँ, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी बेटा वैसे थोड़ा बहुत तो यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं ना, मतलब केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी भले YouTube चैनल पे आप देखेंगे या किसी भी टीचर का आप देख रहे हैं, तो जो 100% आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है ऑनलाइन के अंदर। हमें इसमें फ़ायदा आपको ऑफलाइन में ही ज़्यादा मिलता है कि हमारे सामने आपके फेसेस रहते हैं और हमारा फेस आपके सामने रहता है, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप पूछ सकते हैं, या फिर हमें आपके फेस देखकर पता चल जाता है कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया, तो हम उस चीज़ को वापस क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये है, बाकी कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चालू कर रहा हूँ बेटा रैखिक प्रोग्रामन क्या होता है। तो रैखिक प्रोग्रामन में आपको करना क्या है, आपको बताना आपको क्या दिए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के अवरोध आपको दिए जाएंगे, है ना, और अवरोध के बाद में और आपको कुछ उद्देश्य फलन दिया जाएगा। उद्देश्य फलन जिसे किसे कहते हैं, उद्देश्य फलन का मतलब होता है कि आपका उद्देश्य क्या है, है ना, कि आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको लॉस कम से कम हो, इसे बेटा हम क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन। ये बुक में आपको दिया जाएगा, आप 15.1 निकालें, उससे पहले मैं आपको कुछ एक डायग्राम्स बनाना सिखा रहा हूँ, आप उनको देखते जाएं। जैसे मान लो आपको डायग्राम बनाना है कौन सी रेखा का, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ बेटा कि जैसे आपके पास ये आपको डायग्राम बनाना है 3x + 5y = 15, तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा, कि सर इसका डायग्राम हम सबको बनाना आता है, कैसे बनाएंगे सर, ये कार्तीय तल बनाएंगे और इसके अंदर हम लिख लेंगे क्या, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये चैप्टर बस यहीं से स्टार्ट हो रहा है बेटा, है ना। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4, ऐसे कुछ। सुनना बेटा क्या, कि आप 3x + 5y = 15 है, आपको इसका डायग्राम बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, जब प्रश्न के अंदर x भी हो, y भी हो और अचर भी हो, जब प्रश्न के अंदर x, y और अचर तीनों होते हैं तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक बार x को जीरो कर देते हैं, एक बार y को जीरो कर देते हैं। तो एक बार जब आपने y को जीरो किया तो आपको x का मान कितना मिलेगा, आपने x को जीरो किया, x को जीरो के तो y का मान कितना मिला, 15/5 मतलब 3, तो ये वाला बिंदु इसका आप ऐसा, है ना। और फिर एक बार y को जीरो कर देंगे, y को जीरो करेंगे तो x का मान कितना मिलेगा आपको, 15/3 मतलब 5, और इन दोनों बिंदुओं को आप मिला देंगे तो ये वाली लाइन जो है वो कौन सी बन गई, ये रेखा बन गई, कौन सी, 3x + 5y = 15। पहले मैंने वो थ्योरी बताई है बेटा, वो इतनी काम की नहीं है, वो तो ऐसे चैप्टर को समझाने के लिए मैंने बताया है, ये चैप्टर जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखना मैंने क्या बताया, ऐसी रेखाओं के समीकरण अगर आपको बनाने हो जहाँ पर x भी आपको दे रखा हो, y भी आपको दे रखा हो और अचर भी दे रखा हो, तो ऐसे प्रश्नों के डायग्राम कैसे बनाते हैं, एक बार आप x को जीरो करते हैं, y का मान लिख देते हैं, और एक बार y को जीरो करते हैं, x का मान लिख देते हैं, बस वही आपका क्या बन जाता है, डायग्राम बन जाता है, ठीक है बेटा। अब कई बार आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे नहीं होता, ऐसे पूछा जाता है 3x + 5y = less than equals to 15। तो आप एक बार क्या करते हैं, इसको भूल जाओ कि यहां पे greater than less than लिखा हुआ है, बराबर मान के कि 3x + 5y = 15, और उसका डायग्राम बना लेंगे। अब क्या करना है आपको, x और y दोनों की जगह जीरो रखना है और देखना है कि दी गई सर्व समीका सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है तो क्या होगा, क्षेत्र जो होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा, और यदि असत्य है तो क्षेत्र जो होगा वो मूल बिंदु से दूर होगा। कैसे, सुनो, आपने इसमें x और y दोनों की जगह जीरो रखा, जीरो जीरो कितना हो गया, जीरो, जीरो छोटा है 15 से, क्या सही बात है या गलत बात है, क्या जीरो 15 से छोटा होता है या नहीं होता, सही बात है या गलत बात है, सही है। और यदि सही है तो इसका क्षेत्र जो होगा किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, इसे मूल बिंदु की तरफ। अगर ये असत्य होता तो मूल बिंदु से दूर बाहर की ओर हो जाता। मैं और एग्जांपल्स करा रहा हूँ बेटा, बस बोर्ड पे देखते जाएं, वन बाय वन हम पूरा चैप्टर अच्छे से सीख लेंगे, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास लिखा है 2x + 3y = 6, आपको इसका डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, कि सबसे पहले तो सर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। तो सबसे पहले आप लिख लो क्या, ये डायग्राम आपने बनाया, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ऐसे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। अब सुनना बेटा क्या, मैंने क्या बताया, जब भी प्रश्न के अंदर x भी हो, y भी हो और अचर भी हो तो कैसे बनाते हैं इसके डायग्राम, एक बार x को जीरो कर देते हैं, एक बार y को जीरो करते हैं। तो मैंने y को जीरो किया तो x का मान कितना आया, 6/2 मतलब 3, x का मान 3 मतलब ये वाला बिंदु। फिर आपने एक बार x को जीरो किया तो y का मान 2, y का मान 2 मतलब ये वाला बिंदु। इन दोनों को आप मिला देंगे, इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये क्या बन गया आपके पास, ये डायग्राम बन गया बेटा किसका, 2x + 3y = 6 का। यहां तक तो काम कंप्लीट। अब इसके आगे देखना बेटा क्या, अब इसके आगे क्या देखना है, कि इसका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ आएगा या मूल बिंदु के दूर, वो कैसे पता चलेगा, x की जगह पे भी जीरो रखेंगे और y की जगह पे भी जीरो रखेंगे, तो इसको भी जीरो रखा, इसको भी, तो 0 + 0 जीरो हो गया, 0 छोटा है या बराबर है 6 से, क्या 0 6 से छोटा होता है क्या, सही बात है। और यदि सत्य बोलता है तो क्या मूल बिंदु की तरफ, और यदि झूठ बोलता है तो मूल बिंदु से बाहर की ओर। ये सत्य बोल रहा है इसलिए किधर किधर वाला क्षेत्रफल होगा, ये मूल बिंदु की तरफ वाला, ये वाला क्षेत्रफल। इसको अगर मैं वैसे बनाऊं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र ऐसे वाला, इसको मैं डार्क करना चाहूं तो ये इधर वाला क्षेत्र आएगा, है ना, केवल नीचे वाला सब कुछ इधर वाला, ये वाला क्षेत्रफल इधर वाला, समझ रहे मेरी बात को, है ना, ऐसे ध्यान से देखना बेटा।
और देखना कुछ और एग्जांपल्स हम करते हैं, है ना। जैसे मान लो आपके पास मैंने लिख दिया कि 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 24, ऐसे लिखा मैंने बेटा, ठीक है। अब इसको आपको डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सर? बहुत आसान है, वापस आप ऐसे सबसे पहले क्या बनाओ, कार्तीय तल बनाओ। तो मैंने कार्तीय तल बना दिया, ये रहा। अब इस पर नंबरिंग कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, ठीक है। और वाई पे भी ऐसे नेमिंग कर देंगे, वाई पे भी नेमिंग कर देते हैं, वाई पे भी नेमिंग करो, कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें इसका डायग्राम बनाना है, तो बेटा डायग्राम बनाते ध्यान से देखना, x भी है, y भी है, अचर भी है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, एक बार y को जीरो करेंगे, एक बार x को जीरो करेंगे। तो आपने y को जीरो किया तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, 24/4, मतलब कितना, 6। तो आपके पास ये वाला x का मान 6, मतलब ये वाला बिंदु। फिर एक बार आपने x को जीरो किया तो y की वैल्यू कितनी, 24/3, 24/3 मतलब 8। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 8। ये दोनों बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यही लाइन आपके पास कौन सी होगी, ये किसका समीकरण, ये किसका डायग्राम बन गया, 3x प्लस 4y बराबर 24। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब इसके बाद में आपको क्या देखना है, अब देखना है कि जो क्षेत्र आएगा वो मूल बिंदु की तरफ आएगा या मूल बिंदु से दूर आएगा। कैसे करेंगे, x और y दोनों की जगह जीरो रखेंगे और देखेंगे बात सत्य है या झूठ है। तो आपने x की जगह जीरो रखा, y की जगह जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो बड़ा है 24 से, क्या झूठ बोल रहा है, क्या जीरो बड़ा होता है क्या 24 से, नहीं होता, इसका मैं झूठ बोला है। झूठ बोला से क्षेत्रफल कहाँ आएगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर, इधर वाला, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, समझ गए मेरी बात को। इस बार कौन सा वाला क्षेत्रफल आएगा, इस मूल बिंदु से दूर, अगर सत्य बोलता तो मूल बिंदु की तरफ, और यदि झूठ बोलता है तो मूल बिंदु से बाहर की ओर। इतना समझ गए बेटा, ये तो था आपके पास सिंपल सा इक्वेशन। अब इसके बाद में क्या होता है, तीन प्रकार के समीकरण होते हैं, ये मैं शायद पहले मैंने एक वीडियो बनाया भी इसके ऊपर, है ना, जिसमें एक्स भी होता है, वाई भी होता है, अचर भी होता है। तो उसको कैसे करते हैं, एक बार एक्स को जीरो कर देते हैं, एक बार वाई को जीरो कर देते हैं। दूसरा कौन सा समीकरण होता है बेटा, दूसरा होता है जिसमें केवल एक्स और वाई होते हैं, जिनमें केवल क्या होते हैं, जिनमें केवल एक्स और वाई होते हैं। जैसे आपके पास लिखा है वाई बराबर 2x, एक्स बराबर 3y, 4x प्लस बराबर 5y, है ना, ऐसे। ये जो क्वेश्चन है इनके अंदर, ये जो इक्वेशंस है इसमें क्या है, केवल x और y है, और जिनमें केवल x और y होते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं, उनके डायग्राम कैसे बनते हैं, बहुत आसान होता है बेटा। जिनमें केवल x और y होते हैं वो कैसे ज्ञात होते हैं, वो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है, सीधी रेखा। बस इसका डायग्राम क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, भले ही एक्स वाई पर। आपको ये देखना है पहले क्या है, एक्स भी हो, वाई भी हो, अचर भी हो। तो कैसे करते हैं, एक बार एक्स को जीरो कर देंगे, एक बार वाई को जीरो कर देंगे, है ना, और एक्स मान निकाल लेंगे। और यदि आपके पास केवल एक्स और वाई हो तो क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। ये तो बेटा प्लस में है, अगर माइनस में हुआ तो क्या करेंगे, माइनस में मतलब जैसे आपके पास लिखा है वाई बराबर माइनस का एक्स, ऐसे लिख दिया 2y बराबर माइनस के 3x, तो कुछ नहीं करना, डायग्राम ऐसा ही बनेगा, डायग्राम क्या होगा, ऐसा ही बनेगा। बस इस बार ढाल क्या हो जाएगा, माइनस, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा जिसका ढाल क्या हो, ऋणात्मक। ये छोटी छोटी बातें आप सीख जाओगे तो चैप्टर जो 15 नंबर है ये बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर प्लस है तो ढाल भी धनात्मक होगा, और यदि माइनस है तो ढाल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये होगी बेटा दूसरी प्रकार की लाइन। तीसरी प्रकार की लाइन आपके क्या आती है, जिनमें या तो y बराबर दे रखा होता है या x बराबर, जैसे y बराबर 2, तो y बराबर 2 का डायग्राम कैसे बनाएंगे, आप सबको पता भी होगा कि पहले सीख चुके हैं, y बराबर 2 का डायग्राम कैसे बनता है कि सर y पर 2 चलो, y पर 2 चलो, 1 और 2, y पर 2 चलो और x अक्ष के समांतर रेखा खींच दो। तो एक इसका डायग्राम हो गया y बराबर 2 का। अगर आपको पूछ ले, वो क्या पूछ ले, आपको पूछ ले कि x बराबर 5, x बराबर माइनस 2 का डायग्राम बनाओ, तो आपको क्या करना है कि सर x पर माइनस 2 चलेंगे, ये माइनस का 1 माइनस का 2, x पर माइनस 2 चलेंगे, तो x पर माइनस 2 और y x के समांतर रेखा खींच देंगे, ये y x के समांतर। बस x बराबर माइनस 2 का मतलब x पर माइनस 2 चलो और y x के समांतर रेखा खींच दो, y बराबर 5 का मतलब y पर 5 चलो और x x के समांतर रेखा खींच दो। क्या बेटा सारी बातें सबको समझ में आ गई क्या,
है ना, ऐसे बनता है बेटा ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, अब हम सीखेंगे हमारा चैप्टर हमें कैसे करना है उस पर ध्यान से देखना। तो सारे बच्चे वह बुक निकाल लूँ और बुक के अंदर चैप्टर नंबर 15 की 15.1 निकाल लूँ, वहाँ से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे 15.1 का, ये एक एग्जाम्पल ही करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है तो मैं ये करवा देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है कि निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल कीजिए, और यहाँ पर लिखा है अधिकतम। ये क्या है, उद्देश्य फलन है बेटा, मतलब आपको इस पर क्या चाहिए, अधिकतम मान चाहिए, मतलब प्रॉफिट चाहिए आपको अधिकतम। अधिकतम क्या 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 लिखा है, जेड बराबर 5x प्लस 3y, ये है ना। और फिर व्यवरोध लिखे हुए, आप व्यवरोध मतलब जिनके आधार पर इसे हम बताएंगे, तो व्यवरोध क्या है आपके पास, व्यवरोध है 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 15। और फिर अगला लिखा है 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 10। और फिर लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। आपको क्या है ना, रेखिक प्रोग्रामन समस्या से इस आलेखीय विधि से इसको हल करना है। तो बेटा बस थोड़ी सी देर के लिए बोर्ड पे देखते रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा अभी, ठीक है ना, ध्यान से देखना एक बारी। ठीक है बेटा, देखो हम कैसे करेंगे इसको, बोर्ड पे ध्यान से देखना सारे बच्चे। हम सबसे पहले इन सबके डायग्राम बनाएंगे, तो सबके डायग्राम बना रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो व्यवरोध आपके पास है इनका डायग्राम बनाएंगे सबका। बोर्ड पे ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक से सब समझ जाओगे। तो आपने एक डायग्राम बनाया जी ऐसा, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इस पर बना देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, इधर भी बना दो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, इधर भी बना दो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। मैं सबकी नेमिंग कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक क्वेश्चन देख लो कि पूरा क्लियर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 ठीक है। ये -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी सब बच्चों को। अब हम वन बाई वन सारे व्यवरोध बनाएंगे, देखना जे कैसे बनाते हैं, देखना बेटा। सबसे पहले ये बनाएंगे, तो x भी है y भी है अचर भी है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप कौन सा बना रहे हैं, सबसे पहले बेटा आप ये बना रहे हैं, इसकी लाइन बनाएंगे, ये कैसे बना, एक बार x को जीरो करेंगे एक बार y को जीरो करेंगे। तो आपने एक बार y को जीरो किया तो x का मान कितना है, 15/3 मतलब 5, x का मान आ गया 5, तो ये वाला बिंदु, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 5, 0, ये बिंदु कौन सा गया 5, 0। और फिर एक बार क्या करेंगे, x को जीरो कर देंगे तो y का मान 3 मतलब ये वाला बिंदु, ये वाला, इस बिंदु को क्या बोलेंगे 0, 3। और इन दोनों को आप मिला देंगे, इन दोनों को मिला दिया तो ये कौन सी रेखा बन गई, ये बन गई बेटा आपके पास 3x प्लस 5y बराबर 15। पहली वाली लाइन समझ गए, सारी लाइन ऐसे ही बनानी है। फिर दूसरा वाला देखेंगे हम, दूसरा वाला निकालते हैं, देखो इस रेखा को बनाएंगे तो इसको बनाते हैं, क्या है x भी है y भी है अचर भी है, तो क्या करेंगे एक बार y को जीरो करेंगे तो x का मान कितना आया 2, तो x का मान 2 मतलब ये वाला बिंदु, और ये बिंदु कौन सा है 2, 0। फिर एक बार x को जीरो करते हैं, y का मान 10/2 5, y का मान 5 मतलब ये वाला बिंदु,
वाई का मान 5 मतलब एक्स तो 0 होता है ना, तो 0.5 इन दोनों को मिला देंगे ये, तो इस बार ये रेखा कौन सी बन गई, ये रेखा बन गई आपके पास 5x + 2y = 10, ये वाली। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x > 0, इसका मतलब क्या है x > मतलब x धनात्मक है और y भी धनात्मक, x और y दोनों किस में धनात्मक होते हैं, पहले चतुर्थांश में, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। क्या मैंने सबके डायग्राम बना लिए बेटा, इन दोनों के डायग्राम बनाए थे मैंने, बना दिए। अब देखना कि क्षेत्र किधर की तरफ आएगा, तो ध्यान से देखना बेटा मैं बता रहा हूं। आपने क्या किया, इसके अंदर x की जगह 0, y की जगह 0, 0, 0, जीरो का जीरो छोटा है 15 से, क्या सही बात है, क्या जीरो छोटा है, सही बात है, इसलिए मूल बिंदु की तरफ, तो ये आ जाएगा मूल बिंदु की तरफ इधर की ओर, ये वाला क्षेत्र। इसका मतलब है कि सर ये वाला क्षेत्र होना चाहिए, इसका मतलब ये है, और हमें केवल प्रथम चतुर्थांश में चाहिए, तो हम प्रथम चतुर्थांश में लिखते हैं। यहाँ पे रखा तो 0, 0, 0 छोटा है 10 से, क्या सही बात है, ये भी सही बात है, और ये सही बात है, इसका कितना हो जाएगा मूल बिंदु की तरफ, तो मूल बिंदु इधर है ना, मूल बिंदु की तरफ, तो इसका क्षेत्र आएगा मूल बिंदु की तरफ, ये वाला, और ये क्या बोल रहा है प्रथम चतुर्थांश के अंदर, तो मुझे बताओ इन तीनों का कॉमन, ये भी बोल रहा है इधर, ये भी बोल रहा है इधर, और तीसरा वाला बोल रहा है प्रथम चतुर्थांश, इन तीनों का कॉमन कौन सा होगा, इन तीनों का कॉमन पार्ट मुझे बताना जरा, इन तीनों का कॉमन कौन सा है, क्या इस वाले भाग में जो मैं डार्क कर रहा हूं, ध्यान देना, ये क्या हो गया यार, इस वाले भाग में देखना, यहां पे जो मैं डार्क कर रहा हूं, क्या ये तीनों में कॉमन है, क्या ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, तीनों में कॉमन है, क्या यहाँ तक बात समझ। सबसे पहला काम अपना डायग्राम बनाना है, तो हमने डायग्राम बना लिया, तो मुझे बताओ ये सबसे पहले यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, कि क्या करना है कि सर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, और क्वेश्चन देख के ये बताएंगे कि इसका क्षेत्र कौन सा है, इसे बोलते हैं सुसंगत क्षेत्रफल, ये क्या कहलाता है आपका सुसंगत क्षेत्रफल फिजिबल सॉल्यूशन, ये होता है आपका सुसंगत क्षेत्र मतलब फिजिबल सॉल्यूशन, ये वाला। कैसे पता किया, पहले सबके डायग्राम बना लिए, फिर सबके क्षेत्र निकाल दिए, ऐसा क्षेत्र जो सब में कॉमन हो, ये भी बोल रहा था इधर, ये बोल रहा था इधर, तो इस वाले भाग के अंदर ये तो था, रेड वाला तो था लेकिन ग्रीन वाला नहीं था, इसके अंदर ग्रीन वाला है लेकिन रेड वाला नहीं, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर रेड वाला भी था और ग्रीन वाला भी था, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को बोलते हैं बेटा हम सुसंगत क्षेत्र, ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, इस क्षेत्र का नाम है सुसंगत क्षेत्र फिजिबल सॉल्यूशन, सुसंगत क्षेत्र। बेटा यहाँ तक सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना, क्या ये डायग्राम बनाना सबको आ गया, क्या डायग्राम बनाना सबको आ गया, कि सर सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना, तो डायग्राम मैंने बना लिया, इसके बाद में क्या करना है आपको, अब आपके व्यवरोध कुछ काम नहीं आएंगे, व्यवरोध का इतना ही काम था कि आप डायग्राम बना पाए, तो डायग्राम आपने बना लिए, अब ध्यान से देखना बेटा, अब हमें क्या करना है, जो भी आपका सुसंगत क्षेत्र है, जो भी आपका सुसंगत क्षेत्र बना है, उस सुसंगत क्षेत्र के किनारे वाले बिंदु निकालने, इस क्षेत्र पूरा यही तो है ना, ये वाला मैं एक बार व्हाइट से बना रहा हूँ पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र ही आपका क्या है सुसंगत क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र आपका क्या है सुसंगत क्षेत्रफल, तो इसके आपको क्या करना है बेटा, इस सुसंगत क्षेत्रफल किनारे लिखने हैं, जैसे किनारे कौन कौन से आपके पास वो देखो, इसमें कौन कौन से किनारे हैं, एक तो ये वाला किनारा है, एक ये वाला किनारा है, एक ये वाला किनारा है और एक ये वाला किनारा है, समझिए मेरी बात को, एक तो ये वाला किनारा है, एक ये वाला किनारा है, है ना, कौन कौन से किनारे आपके पास, एक तो ये वाला, है ना बेटा, देखो एक तो आपके पास ये वाला किनारा है, एक आपके पास ये वाला किनारा है, एक आपके पास ये वाला किनारा है और एक आपके पास, और नंबर थोड़े मिट गए बेटा, मैं वापस बना देता हूँ, ग्रीन लाइन थी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाली, ठीक है, ओके, सुनना जरा, तो इससे किनारे कौन कौन से हैं आपके पास, ये चारों के, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बारे में काम क्या होता है, आप एक टेबल बनाते हैं, इसके अंदर आप क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक तरफ तो क्या लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं क्रांतिक बिंदु या किनारे वाले कोणीय बिंदु, क्या लिखते हैं, कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट्स, जो आपके पास क्या आता है,
जो भी आपके पास सुसंगत क्षेत्रफल होता है उसके किनारे वाले बिंदु, अगर मैं नाम दे दूं इसको तो ये हो गया ओ ए बी सी। तो हमें क्या करना है, इस ओ ए बी सी किनारे वाले बिंदु, तो ये सब आपको लिखने। तो सबसे पहले ओ, ओ क्या है, 0,0। फिर ए क्या हो गया आपके पास, ए क्या है, 2,0। ए है 2,0, बहुत आसान है बेटा, इतना सा काम करना है। और फिर बी क्या है आपके पास, बी पता नहीं है, फिर सी लिखते हैं। सी क्या है आपके पास, 0,3। पहले बी और निकालें, तो बी कैसे निकालोगे बेटा, आपको पता है बी क्या है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन। ये दोनों रेखाएं काट रही है, और जब दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन कैसे निकालते हैं, या तो एक से मान निकालकर दूसरी में रख देते हैं, या फिर क्या करते हैं, विलोपन विधि से, या तो विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं दोनों रेखाओं लिख रहा हूं, यहां पे आ गया 5x + 2y = 10, और दूसरी रेखा क्या आपके पास, 3x + 5y = 15। तो इन दोनों से आपको हल करना है, 5x + 2y = 10, और दूसरी रेखा क्या है, 3x + 5y = 15। इन दोनों रेखाओं से, ये दोनों का प्रतिच्छेदन ही तो है, तो ये बिंदु कैसे मिलेगा, दोनों के प्रतिच्छेदन से। तो एक से x का मान निकाल लेंगे और एक से y का मान निकाल लेंगे, इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले वाली समीकरण को 5 से गुणा कर दो और दूसरी वाली को 2 से गुणा कर दो। इसको 5 से गुणा कितना आया, 25x + 10y = 50, और इसको 5, इसको 2 से गुणा कर दिया, तो 6x + 10y = 30। समझ गए, अविलोपन विधि से माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए, 25 में से 6 के कितने बचते हैं आपके पास, 19x = 20। 19x = हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा, 50 - 30 = 20। तो x का मान कितना आ गया बेटा, x का मान आपके पास आ गया 20/19। तो इस बिंदु के x निर्देशांक कितना आ गया, 20/19। y कैसे निकालेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y का मान। तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, देखो x का मान इस समीकरण में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। x का मान इसमें 20/20, 25 100, ये हो गया 100/19 + 2y = 10। तो 2y बराबर कितना आ गया, 2y बराबर आ गया 10 - 100/19। तो 2y बराबर ये हो गया 190 - 100, 90, तो ये क्या 90 - 100, 90/19, और 2 से भाग लगाए तो ये y बराबर आ जाएगा, 2 का भाग लगाए ना तो आया 45/19। तो आपके पास बिंदु कौन सा हो गया बेटा, 20/19, 45/19। मैं वापस एक बार पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना होता बेटा इसे क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करना, तो जो क्वेश्चन में व्यवरोध दे रखे होते हैं उन व्यवरोध का आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाना मेरे हिसाब से कोई मुश्किल नहीं, मैंने बोर्ड पर बना रखा है, ऐसे हम डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, डायग्राम बनाने के बाद में उस डायग्राम के किनारे वाले बिंदु, इसके कॉर्नर पॉइंट्स, उसको एक टेबल पे लिखते हैं, कोणीय बिंदु को। अब कोणीय बिंदु आपके पास क्या क्या आ गए, कोणीय बिंदु एक तो था ओ ए बी सी, ओ ए बी कितना आया आपके पास, 20/19, 45/19। ये अब इन क्रांतिक, इन कोणीय बिंदुओं पर फलन, उद्देश्य फलन, एक तरफ लिखते हैं कोणीय बिंदु और एक तरफ लिखते हैं उद्देश्य फलन। तो यह उद्देश्य फलन क्या था, 5x + 3y। इन कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का मान निकालते हैं, मान निकालते हैं मतलब जेड, पहले इसमें 0,0 रखेंगे तो कितना आएगा जेड का मान, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, कितना आ गया 0। फिर 2,0 रखेंगे तो एक्स की जगह रखा आपने 2 और वाई की जगह 2, तो 5 × 2 = 10, तो ये आ गया 10। फिर आप रखेंगे जेड बराबर एक्स की जगह पे 20/19 और वाई की जगह पे 45/19, तो 20 रखा तो 20 × 5 = 100, 100/19 + 45 = 135, 135 और 100 कितना हो गया, 135 और 100 235, ये हो गया 235/19, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास 135 ही हो गया, 100 ही हो गया, तो 235, ठीक है, ओके। फिर 0,3 पर x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 3 रखोगे, तो z का मान कितना आएगा, 9। आपको पूछा था अधिकतम, तो आपको देखना है इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, देखो ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, ये वाली वैल्यू जो है वो आपके लिए क्या है, सबसे बड़ी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हम कहेंगे कि उपरोक्त
उपरोक्त रेखिक प्रोग्रामन समस्या का अधिकतम मान 235/19 बिंदु 20/19.45/19 पर प्राप्त होगा। बस इतना सा काम करना है। इसकी थ्योरी जो है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन पहले केवल समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन को पता कैसे करना होता है कि सबसे पहले आपके पास जो व्यवरोध होते हैं, उन व्यवरोधों के आधार पर आप क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम आपने बना लिया और डायग्राम बनाकर आप देखते हैं कि आपका सुसंगत क्षेत्रफल कौन सा है। सुसंगत क्षेत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो होता है परिबद्ध क्षेत्रफल और एक होता है अपरिबद्ध क्षेत्रफल। परिबद्ध क्षेत्रफल ये आपको दिखाई दे रहा है, अपरिबद्ध होगा जिसको जो खुला हुआ होगा, जैसे बाहर क्यों ऐसे हो जाता है, ये वाला क्षेत्र अगर हो जाता है इसको बोलते हैं हम अपरिबद्ध। जो आगे के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा वहां पे हम क्लियर करेंगे अपरिबद्ध क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये तो आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यवरोधों को बनाया, डायग्राम बना के सुसंगत क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब जो सुसंगत क्षेत्रफल आपके पास आया है, उस सुसंगत क्षेत्रफल किनारे वाले बिंदु कौन से, ओ ए बी सी, इन किनारे वाले बिंदु को एक टेबल में बनाते हैं और एक तरफ उद्देश्य फलन लिखते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कोणीय बिंदुओं पर उद्देश्य फलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। उनमें से जो अधिकतम होता है, अधिकतम पूछा है तो अधिकतम मान देखेंगे और न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम मान देखेंगे। अधिकतम मान आपको पूछा गया है तो आप क्या बताओगे कि प्रदत्त मतलब दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या का अधिकतम मान 235/19 है ना बिंदु 20/19.45/19 पर प्राप्त होता है ना बेटा। इसको तो हम ऐसे करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको आज डिस्कस करवाया है, बाकी इसका अगला वाला क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।